नमस्कार। क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले आपने शेषफल प्रमेय वाला वीडियो जरूर देखा होगा, उसके बिना आपको ये एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक बार मेरे चैनल से शेषफल प्रमेय वाला वीडियो 9वीं कक्षा का जरूर देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन 1 है, एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो बहुपद है वो है ये, तो ये है px = x³ + 3x² + 3x + 1। इसे हमने भाग करना है x + 1 से। यदि आप शेषफल प्रमेय देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, शेषफल प्रमेय देखें तो हमें चाहिए x - a, लेकिन हमारे पास तो है x + 1। इसका मतलब हमें यहाँ एक माइनस का साइन चाहिए, तो मैं इस प्लस वन को लिखता हूँ -(-1), क्योंकि -(-+1) बन जाएगा ये। तो जब मैंने इसको लिखा x - -1, तो ये देखो ध्यान से, ये x - a के बराबर हो गया। तो x है, -(-) है, तो a किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल किसके बराबर होगा, p(a) के बराबर। a कितना है, -1, तो शेषफल होगा p(-1), यानी ये जो था इसको हम इस इक्वेशन में, इस बहुपद में x की जगह -1 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया -1 की पावर, ये देखो इन दोनों को मिलाते हैं, x की जगह -1 की पावर 3 + 3 x² की जगह -1 का स्क्वायर + 3 x की जगह -1 + 1। अब हम इसे आगे हल करते हैं, आइए देखते हैं कि आगे कैसे हल होगा। देखो -1 का क्यूब 1 × 1 × 1 होगा 1, -(-)-(-) हो जाएगा माइनस, प्लस -1 का स्क्वायर यानी -1 × -1 1 × 1 1, -(-)+ 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 1 × 3 हो गया 3, +(-)-3 1 × 3 +1, तो +1। इसको हम हल करते हैं, हल करने के लिए देखिए 3 में से 3 माइनस हो जाएगा 0, और 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो शेषफल कितना आ गया 0, शेषफल कितना आ गया 0। यही हमें निकालना था ना शेषफल। देखो बिना भाग किए इस बहुपद को, इस बहुपद से भाग करने पर कितना शेषफल आएगा वो हमने बिना भाग किए ही पता कर लिया, इसी को शेषफल प्रमेय कहते हैं। इसका दूसरा भाग देखते हैं, x - 1/2 px = x³ + 3x² + 3x + 1 के x - 1/2 से इसको भाग करना था। तो देखिए शेषफल प्रमेय के अनुसार ये है x - 1/2, इसको x - a के साथ मिलाए तो x - a किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर, a किसके बराबर होगा 1/2 के। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल होता है p(a), a की जगह मैं लिख दूंगा 1/2। इसका मतलब इस बहुपद में, ये जो बहुपद है px, इसमें x की जगह 1/2 लिखेंगे, x की जगह लिखा 1/2, 1/2 की पावर 3 + 3 x की जगह लिखा 1/2 का स्क्वायर + 3 x की जगह लिखा 1/2, आगे है +1, तो +1। अब हमें इसको हल करना है, आइए देखें कैसे हल करना है। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब यानी 2 × 2 = 8 + 1/2 का स्क्वायर 1/2 × 1/2 ये होगा 1 × 1 होगा 1, 2 × 2 = 4, तो अभी आया 1/2 का स्क्वायर 1/4। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3/4 ये आ जाएगा, समझ आया बच्चों, 1/2 का स्क्वायर 1/4 × 3 = 3/4 प्लस ऐसे ही 3 × 3/2 प्लस आगे है 1, इस 1 के नीचे यदि कुछ नहीं है तो 1। अब हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, इन सभी का लघुत्तम ले लेते हैं। तो 8, 4, 2, 1 इन सब का जो लघुत्तम आएगा ना बच्चों, वो 8 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में भी 8 आता है, 2 के पहाड़े में भी 8 आता है, 1 के पहाड़े में भी 8 आता है। तो यदि ऐसी संख्याएं हो कि बाकी तीनों के पहाड़े में एक बड़ी संख्या आती हो, तो वही बड़ी संख्या लघुत्तम होती है। अब हम इसे हल कैसे करेंगे, इसको नीचे वाली संख्या से भाग ऊपर वाली से गुना, 8 को 8 से भाग किया तो आया 1,
उस एक को ऊपर एक से गुना कर दिया तो एक, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस डालते। 8 को 4 से भाग किया 2, उस 2 को 3 से गुना कर दिया, 2 तिया 6। ऐसे ही फिर से प्लस था तो प्लस डाला, 8 को 2 से भाग किया 2 चौके 8, 8 को 2 से भाग किया 4, 4 को ऊपर 3 से गुना कर दिया 4 तिये 12, प्लस 8 को 1 से भाग किया 8 और 8 को ऊपर 1 से गुना कर दिया 8। अब इसे हल कर लो, यह है 6 और 1 7, 7 और 12 19, 19 और 8 19 8 27। तो ये हमारा शेषफल आ गया, ये हमारा शेषफल आ गया। देखो एक बार फिर से, हमने एक बहुपद को x माइनस 1 बाय 2 से भाग किया, लेकिन बिना भाग किए हमने उसका शेषफल ज्ञात कर लिया कि 27 बटा 8 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों भाग बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।